गोपालगंज के विसंबरपुर थाना क्षेत्र में विनोद मटिहानिया गांव में एक 12 वर्षीय बच्चे को जहरीले सांप ने डस दिया। सांप के डसते ही बच्चा अचेत हो गया, तो वहीं परिजनों ने तत्काल उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां बच्चे का इलाज चल रहा है। परिजन बच्चे के साथ ही जहरीले सांप को भी अपने साथ लेकर अस्पताल पहुँच गए। दरअसल देवता महतो के 12 वर्षीय बेटा अपने परिजनों के साथ करतानाथ धाम पर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करने गए थे। इसी बीच वह डंडक नदी में नहाकर जब बाहर निकला, तभी एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया और नदी में छलांग लगा दी। इसे देखकर बच्चे के परिजन ने भी नदी में छलांग लगाकर सांप को पकड़ लिया और उसे अपने गमछे में बांधकर पकड़ लिया। सांप और बच्चे को लेकर सदर अस्पताल पहुंचा, जहां बच्चे को भर्ती किया गया और डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है। परिजनों ने पकड़े गए सांप को डॉक्टर को दिखाया। वहीं सदर अस्पताल में परिजन द्वारा लाए गए सांप को देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। फिलहाल बच्चे का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।